और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यशवंत सिंह है वो 300 चाइनीज को मार गिराया था, वो गोली में आपको दिखाना चाहूंगा, वो राइफल में आपको दिखाना चाहूंगा। गाइस यही वो जगह है जहां पे 1962 में लड़ाई हुई थी। चलो गाइस फाइनली अपन लोग रेडी हो चुके हैं, बाकी बैग वगैरह पूरा पैकिंग हो गया, देखिए पूरा साफ सुथरा कर दिया, कचरा वगैरह था कचरा भी उसमें रख दिए, उस प्लास्टिक पे उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। और बाकी मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। ये रहा, ये हमारा भारत का सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी, और वहाँ रोड है वहाँ से हम लोग को निकलना है, और ये मॉनेस्ट्री है गाइस, यहाँ से फटाफट हम लोग निकलते हैं। और लिफ्ट इस गाड़ी में मिली है गाइस, और ये डायरेक्ट हम लोगों को मिली है तेजपुर का, लेकिन हम लोग तेजपुर नहीं जाने वाले हैं, पता नहीं अभी कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं भाई जसवंतगढ़ पहुंच चुका हूँ यार। ये रहा एंट्री गेट, और यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली जो जसवंत सर जो है उसके जगह पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे उसका ये मूर्ति है, ठीक है। मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा जसवंत सर के बारे में यार। वो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा 1962 में चाइना और इंडिया का वार हुआ था, उस दौरान भाई जसवंत सिंह सर जो उस युद्ध में शामिल थे, और मैं बता दूँ ये सर जो है चीनी आर्मी को मतलब 300 चीनी आदमी को मार गिराया, वो भी उन्हीं का बंदूक से, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है गैस जो यहाँ के लोग हैं लोकल आदमी है ये सबसे बोला जाता है कि ये अभी भी वहाँ पे निगरानी मतलब काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं अभी भी, ठीक है। और मैं बता दूँ इसका जो 1962 में ये शहीद हुए थे, और जो इसका जो रिटायर हुआ है गैस इसका जो रिटायर हुआ है वो है 2018 में इनका रिटायर हुआ है, सोच सकते हैं, वो अभी भी वहाँ पे तैनात है, ड्यूटी दे रहे हैं चाइना बॉर्डर में गैस। और मैं बता दूं कि जो चाइना बॉर्डर के जो चीनी जो आर्मी है उन्होंने ही बताया गया इंडियन आर्मी को कि यहाँ पे आप लोगों का कोई एक आर्मी है जो यहाँ पे आपका ड्यूटी दे रहा है, ठीक है। उन लोगों के बदौलत इन लोगों को पता चला, और लोकल लोग भी बोलते हैं यहाँ पे यशवंत सिंह ड्यूटी देने जाते हैं, क्योंकि गैस जो इसका रूम था और जो इसका जहाँ रहने का जगह था पहले उस जगह पे इसका वर्दी रख दिया जाता था ना, तो भाई वो रात में वर्दी रख दिया जाता था, तो सुबह आकर के देखा जाता था तो वो वर्दी जैसे तैसे मतलब फोल्ड भी नहीं था, मतलब फोल्ड करके रखा जाता था, लेकिन बिना फोल्ड का वो सामान वहाँ पर रहता था, ठीक है। और मैं बता दूँ अभी जो जिस जगह में अभी मैं खड़ा हूँ यहीं पर वो वार हुआ था गैस, मतलब 1962 में जो युद्ध हुआ था ना भाई इसी जगह पर युद्ध हुआ था, ठीक है, जसवंत सिंह गढ़ में। तो आप लोग पहले देखो आप लोग ये एक ऐसे आर्मी मैन थे जो भाई इनके ऊपर 1962 का फिल्म भी बना हुआ है, जिसका फिल्म का नाम है 1962। तो भाई आप लोग वो फिल्म को जरूर देखें 1962। और गाइस ये ऐसे आर्मी थे जो अकेले गाइस मतलब चीनियों को उन्हीं का बंदूक से 300 चीनियों को मार गिराया, मतलब धर 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 मार के 300 लोगों को मार गिराया, ठीक है फाइनली। और भाई ये ऐसे मिसाइल है, तो ये तो बनता है भाई यहाँ आने के बाद और ये दिखाने का। बाकी कुहासा है बहुत तगड़ा, मैं बात करते करते ऊपर आ गया हूँ, और बाकी ये देखो यार कुहासा बहुत है गाइस। राइफल मैन जय हिंद जसवंत सिंह, सैल्यूट है आपको यार। ये रहा असली वाला सोल्जर, ठीक है, शहीद होने के बाद भी वो अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, 2018 में इसका रिटायर हुआ है, सोच सकते हो 1962
वार में, और कितना साल हो गया वो देखिए। बाकी अभी भी उनको मानते हैं कि अभी भी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो भाई ये रहा जसवंत सिंह का कुछ कहानी। और तो भाई जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, तेजपुर से लेकर के बोमडीला तक ये चाइना ही था, ठीक है। बाकी जो 1962 में जो लड़ाई हुई थी ना भाई, यही वो जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी 1962 में। और मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जो जसवंत सिंह ने सांस तोड़ी थी यार। और उनका वर्दी भी है, मैं वो भी दिखाऊँगा भाई साहब। यहीं पर हुई थी, और देखिए यहाँ पर अभी कैसे हम लोग शान बान से घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये रहा जसवंत सिंह स्मृति स्थल। गाइस पहले ऐसा रहते थे यार, ये देखो भाई यहीं पे लड़ाई हुई थी। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो यार कमान पोस्ट, ये देखिए गाइस, माइंड योर हेड भाई साहब। अरे यार गाइस यही वो जगह है जहाँ पे युद्ध हुई थी, आर्मी लोग यहीं पे छुप करके लड़ा करते थे, यही वो जगह है गाइस। कुहासा से मैं दिख नहीं पा रही है गाइस, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा, ये रहा पूरा बना हुआ, अभी भी वही सीन है गाइस, अभी भी वही है, ठीक है। कुहासा से दिखा ही नहीं पा रहा हूँ यार। ये देखो घर वगैरह ऐसे रहते थे, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, देन ऊपर भी है गाइस, ये भी है, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये रहा ऐसे खतरनाक वाला युद्ध हुआ था, और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये रहा गाइस ऐसे यहाँ पर रहते थे, मतलब आग जला करके यहाँ पर रहते थे, और यहीं पर छुप करके चिड़ियों का सफा करते थे। और अभी आप लोगों को दिख रही है ना यार कि यहाँ पे घास वगैरह है, सब कुछ यहाँ सही है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे बर्फ से पूरा चादर भरा रहता था, ठीक है। क्योंकि मेरा सांस फूल रहा है इसलिए, क्योंकि भाग करके वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ा 3500 फीट ऊपर हूँ यार अभी, ठीक है। तेजपुर से लेकर के तवांग तक ये पूरा का पूरा चीनी लोग का हाथ था, लेकिन जब 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद से ये इंडिया हो चुकी है। और भाई साहब ये देखो कैसा हाल हो गया यार, अभी भी ये है यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे शायद कुआं रहता होगा आई थिंक, ये रहा गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे रहते थे आर्मी लोग, और यहीं से सबका पर्दाफाश करते थे चीनी लोग का। भाई मैं उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ जसवंत सिंह ने अपना दम तोड़े थे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पे ये दम तोड़े थे वहाँ का यहाँ पेड़ भी है गाइस, पेड़ के नीचे इन्होंने दम तोड़े थे। और भाई वो पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो पेड़ है जहाँ पे जसवंत सिंह ने शहीद हुए थे, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनका वर्दी, ये रहा गाइस उनका वर्दी, और ये रहे जसवंत सिंह, ये रहा उनका वर्दी, टोपी, बेल्ट, एंड यही वो क्या बोलते हैं इसको, टेलीफोन है जिससे वार्तालाप करते थे ये लोग, और वही यही वो टेलीफोन है गाइस, 1962 का टेलीफोन। एंड ये जो पत्र देख रहे हैं, चिट्ठी जसवंत सिंह का है गाइस, अरुणाचल प्रदेश भाई जसवंतगढ़, यही जितना आप लोग देख रहे हैं ना गाइस, ये सब के सब वही है। और ये रहा, और यही जो गन है जो यशवंत सिंह जी चलाते थे, ये देखो यार अभी कुछ ऐसे है, ठीक है, बहुत पुराना 1962 का है। और ये देखो बैच सर जी का, उन्हीं का है सब के सब, और चैन पहने थे, यशवंत सिंह का बैच है, यशवंत सिंह का ये है। और ये देखो गाइस यहाँ पे उनका ये, और ये उनका सीटी है, रिंग है, और ये रहा गोली, ठीक है, मुफरी कैप गाइस,
ये रहा उनका टोपी कैप। तो गाइस ये रहा जसवंत सिंह का कहानी और इसका सच्ची घटना जो कि गाइस कुछ इस प्रकार है। मैं आपको दिखा दिया, बता दिया इनके बारे में। बाकी आप लोगों को क्या राय है भाई, एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? जय हिंद। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना भाई, तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस आप लोग को ये लग रहा हो कि ये रखा गया है, लेकिन ये रखा नहीं गया है, ये पूरा प्योर नीचे से है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये पूरा नीचे से।